हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभिषेक फ्रॉम इसे कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल। अभी मैं बात करूँगा आपसे इस वीडियो में CBT2 आंसर की के बारे में। इसके बारे में फुल डिटेल जो कि नोटिफिकेशन आई है रेलवे की तरफ से, इसमें आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में कब से ये दिखेगा, ऑब्जेक्शन कैसे करना है, इसका लास्ट डेट किस तरह से है, और इसी के बारे में फुल डिटेल। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। CBT2 एग्ज़ाम जो हुआ था लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए, तो इसका जो है आंसर की बहुत सारे लोगों को दिखा भी था, लेकिन दूसरा फिर डेट आया जो कि 18 तारीख से, यानी आज से ही 18 फरवरी से, और ये आपको दिखेगा 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक। और आपका तो इस तरह से आप वेबसाइट पर जाइए, जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। यदि आपका दिन में नहीं खुलता तो आप इसको रात में खोल के देखिए, जहाँ पे सर्वर थोड़ा सा मतलब कि ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाती तो आपको आसानी से देख पाइएगा। बहुत सारे लोगों को वो सर्वर जाम चल जाता तुरंत में तो नहीं देख पाता है, क्योंकि दिन में तो सब लोग साइबर कैफे से दिखवाते रहते हैं, लेकिन जो जिसके पास पर्सनल होता है कंप्यूटर वो रात में देख लेते, तो वहाँ पर आपके लिए आसानी से दिख जाएगा रात में। तो आप इसको रात में देखने की कोशिश कीजिए तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन आपको करना होगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको आता है रेलवे की तरफ से कि आपका आंसर बिल्कुल सही होता है, लेकिन आपको वहाँ पे आंसर गलत देता है। तो इसको सही करने के लिए आपको रेलवे एक ऑप्शन देता है जो कि बोलता है कि आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है उसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते कि मेरा आंसर सही है लेकिन आपका आंसर गलती है। तो वहाँ पर रेल भर्ती बोर्ड उस चीज़ पर ध्यान देकर के आपका आंसर को बिल्कुल सही कर देता है। तो इसके बारे में भी आपको वहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसका ऑब्जेक्शन का जो डेट है वो 19 तारीख है, यानी कल से आप इस ऑब्जेक्शन को डाल सकते हैं। ऑब्जेक्शन में इसका लास्ट डेट आप 19 तारीख कल से स्टार्ट हो ऑब्जेक्शन। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन यदि गलती होता तो आप इसको जल्द से जल्द आज ही देख लीजिए रात में, यानी कि रात में आपको देखना होगा। रात में देखिए तो आपके लिए आसानी से देख जाएगा, तो इसको आप देख लीजिए। और क्योंकि देखिए आप लास्ट डेट जैसे 20 तारीख आप आज ही देखिए, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलती है। आप उसको एनालिसिस करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, मेरा ये ऑब्जेक्शन है। और तो कि 2-4 नंबर यदि बढ़ जाता तो आपके लिए बेहतर, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन का भी आंसर वो गलत गलत दे रहा है रेल भर्ती बोर्ड। तो इस चीज़ से बचा जा सकता है कि आप समय रहते पहले आप इसमें सतर्क हो जाइए। ऑब्जेक्शन करने का सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही दिया गया है आपको। ये ऑब्जेक्शन 19 तारीख यानी कल से होगा और 20 तारीख के रात में 12 बजे तक ही हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन से भी कम का समय दिया गया है रेल भर्ती बोर्ड द्वारा, तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन में करने में आपको फी लगेगा, आपको जैसे कि आपको यदि 10 क्वेश्चन में डाउट है तो 50 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको वहाँ फी पेमेंट करना होगा। यदि आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, यानी आपका जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 10 गलती है लेकिन रेलवे ने उसको गलती किया है लेकिन वो मेरा सही है, तो हमको बाद में उसको यानी वो ऑब्जेक्शन मेरा बिल्कुल सही था, तो उसके लिए आपका फी रिफंड हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्शन डाला और वो आंसर वाकई में गलती है तो उसका पैसा आपको वापस नहीं होगा। तो ये एक नियम बनाया रेलवे ने, ताकि जो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन को मतलब कि डाउट में नहीं ऑब्जेक्शन में नहीं डाल सकता, क्योंकि ऑब्जेक्शन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो इसमें भी रिजल्ट निकालने उसको बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो यही कारण था इसको। तो इसका आपको शायद सब चीज़ पता चल गया, वैसे मैं आपको नोटिफिकेशन में डाल देता हूँ, इसमें आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए हमारे वीडियो कोचिंग क्लास को, जो कि रेलवे में जो अभी जो अपकमिंग वैकेंसी है 2.5 लाख के आसपास, तो ये सब का तैयारी हम करवाते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप वीडियो कोचिंग। इसका टोटल जो फी है 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लगेगा, और फुल्ली गारंटेड आपको तैयारी करवा दिया जाएगा और आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा। और CBT2 एग्जाम के बाद जो होगा लोको पायलट के स्टूडेंट का साइको टेस्ट का भी क्लास स्टार्ट है हमारे व्हाट्सएप वीडियो कोचिंग में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका टोटल फी है 2,000 रुपये, और जो कि आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको फुल कंप्लीट हम आपको करवा देंगे, और आपको जिस तरह से हमने पास किया था साइको टेस्ट उसी तरह से आपको भी पास करवा देंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी मैंने कुछ दिन से वीडियो नहीं अपलोड किया था, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि सभी स्टूडेंट या फिर हम लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी थे पुलवामा में जो आतंकी अटैक हुआ था, इस वजह से। तो अभी थोड़ा सा हम रिकवर हुए इस मैटर पे। अब जो चीज़ बीत चुका उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ हमारे और आपके प्रयास से वो सफल हो सकता है, मतलब क्या कि उस तरह की घटना दोबारा नहीं हो सकती है। तो इसके लिए है कि कुछ भी ऐसी कहीं पर भी
कुछ ऐसी हरकतें आप देखें तो इसको जल्द से जल्द आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर कर सकते हैं। और ये चीज़ जैसे कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। अब एक हुआ जम्मू कश्मीर में, तो उधर टेररिज्म तो पाकिस्तान के सपोर्ट से होता है, लेकिन जब उसी टाइप का टेररिज्म बिहार में भी बहुत सारा नक्सली इलाका है, छत्तीसगढ़ में, फिर देखिए असम साइड में, तो आपको यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और पहले बाहरी ताकत से निपटने से पहले इसको चाहिए भीतरी ताकतों से निपटे। भीतर में भी तो होते रहता है ना, झारखंड में भी अब बहुत सारी जगह पे इस तरह की चीज़ें चल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलती है, क्योंकि बाहरी जो करता है वो तो हमारे मतलब वो हमारे क्षेत्र से बाहर है, लेकिन हमारे जो सीमा के अंदर हो रहा है इसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो ये भी दिन प्रतिदिन आए दिन ये भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, जो कि हमारा देश इतना विशाल देश है, शांतिपूर्वक देश है, लेकिन इस देश में इस तरह की गतिविधियाँ कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तो हमारा शोक है उन लोगों के लिए जो लोग शहीद हुए पुलवामा में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इसी मैटर को लेकर के हम एक नया चैनल बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा फ्रीडम फायर, जिसमें कि कहीं पर भी कुछ भी गलत हो तो उसके बारे में हम उसमें बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो जैसे ही वो चैनल हम बना देंगे फ्रीडम फायर, आप उसमें जा कर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और पेटीएम पे जो एक CRPF के लिए डोनेशन का एक ऑप्शन आया है, आप उसमें डोनेट कर सकते हैं अपना पैसा, 1 रुपये से लेकर आप जितना मर्जी चाहे उतना डोनेट कर दीजिए। हमने भी किया है, आप भी कर दीजिए, और जो कि एक आप अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।